नमस्कार, आप देख रहे हैं एबरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया है। नौसेना ने शुक्रवार को सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और जहाज को हाईजैक करने की समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस जहाज पर 7 लुटेरे चढ़ गए थे और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया था। मध्य चिली में जंगल में आग लगने से आग के तांडव में करीब 10 लोगों की जान गई है, वहीं 1000 से अधिक घर नष्ट हो गए। आग लगने के बाद आग की लपटें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, जिसके चलते मध्य चिली में जंगल के आसपास रहने वाले लोग सदमे में हैं और घर छोड़कर भाग रहे हैं। देश का सबसे बड़ा संवेक्षण पोत आईएनएस संधायक आज औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। पोत के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर मैं अपनी नौसैनिक ताकत की बात करूं तो भारतीय नौसेना इतनी मजबूत हो गई है कि हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मामले में हम पहले जवाब देने वाले बन गए हैं। लखनऊ में एलडीए की आईटी सिटी योजना पर चल रही खींचतान पर विराम लग गया है। अब यह योजना एलडीए विकसित करेगा। इसके सामाजिक समाघात के सर्वे के लिए संस्था चयन को उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है। लखनऊ में करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद शिवरी प्लांट में वेस्ट से बिजली बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए डीपीआर तैयार करने का काम शुरू हो रहा है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी की ओर से पहली बार निवेशकों को लाभांश मिल रहा है। मेटा के इस फैसले से कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी करीब 5,800 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में मिलेंगे, क्योंकि उनके पास भी मेटा के करीब 35 करोड़ शेयर हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह के दौरान दो समूहों के बीच लड़ाई छिड़ गई। जनमत संग्रह दौरान भिड़ने वाले ये दोनों मेजर सिंह निज्जर गिरोह और सरबजीत सिंह साबिक गिरोह हैं। भारत के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी ठोक दी है। उन्होंने आज इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यह कारनामे को अंजाम दिया। उन्होंने 290 गेंदों में 19 चौकों और 7 छक्कों के दम पर 209 रन की पारी खेली। उन्होंने मुकाबले के पहले दिन 179 रन जोड़े थे। WHO के मुताबिक अगर हम कैंसर के प्रति अभी से सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में यह स्थिति बेहद विस्फोटक हो जाएगी, क्योंकि भारत में हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मर जाते हैं। कैंसर से लड़ने और इस पर विजय पाने के लिए दुनिया भर में कई चिकित्सीय उपाय हो रहे हैं और अब इसका शुरुआती चरण में इलाज संभव है और रोबोटिक सर्जरी जैसे नई तकनीकों से तो कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव आया है। भाजपा के संस्थापक चेहरों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा कि आडवाणी जी ने खुद को गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर अलग से पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सांसद खेल महाकुंभ ने जिलों में राज्यों में लाखों खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया। यह खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का नया माध्यम बन रहे हैं। अब भाजपा सांसद बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्कीम के ऐलान के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर लिमिटेड एक्टिव मोड पर आ गई है। कंपनी ने कहा कि उसकी पूर्व स्वामित्व वाली सोलर सब्सिडियां कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड यानी TPSSL ने पिछले 4.5 वर्षों के दौरान सोलर प्रोजेक्ट के लिए 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की कस्टमर फाइनेंस फैसिलिटी दी है। यूपी के बदायूं जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बदायूं के सरकारी आवास में शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे सिविल जज की लाश फंदे से लटकती मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी तरीके की फटाफट खबरें देखने के लिए एबरल टाइम्स से जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।